आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और राष्ट्रीय जनता दल हमारी प्रदेश कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि यह मजदूर दिवस है। जो मजदूर हमारे देश के निर्माण में शिल्पकार की भूमिका निभाया, जिन्होंने हमारे देश का निर्माण किया, वह मजदूर आज सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। खास तौर से हमारे बिहारी अप्रवासी मजदूर जो है, वह लोग दूसरे राज्यों में आज नरकीय जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने देश का निर्माण किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उनको हमारी जरूरत है, आज सरकार की जरूरत है। आज वो भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, आज एक एक दाने के मोहताज हो गए हैं, वह वहां त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं अपने प्रदेश अपने घर आने के लिए, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तमाम अप्रवासी मजदूरों को बिहार में लाने के लिए लगातार आवाज उठाने का काम किया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी लगातार इस पक्ष में आवाज उठा रहे हैं कि तमाम अप्रवासी बिहारी मजदूरों को बिहार लाया जाए। हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था आज से 12-14 दिन पहले कि तमाम लोगों को लाइए, लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, लोग मरणासन्न स्थिति में हैं, बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो सकती है। ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग वहां से पैदल पंजाब से हरियाणा से दिल्ली से बॉम्बे से मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग पैदल आ रहे हैं, रास्ते में मरने की खबर आ रही है। तो इस चीज की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ता रहा है। अभी केंद्र सरकार ने हम लोगों की मांग पर, हम लोगों के दबाव पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है कि लोग बिहार के लोग या अपने अपने राज्य के लोग जो मजदूर जो भी अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं उसको लाया जाए, लेकिन फिर भी बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो को यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं वह कहते हैं हमारे पास सिर्फ 500 गाड़ी है। 500 गाड़ी में तो मुश्किल से 5 से 10 हजार लोग आ पाएंगे, जबकि हमारे कम से कम 40 से 50 लाख मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और ये कहते हैं कि 5 लाख गाड़ी है, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री कहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि अगर गाड़ी की कमी है तो 2000 गाड़ी राष्ट्रीय जनता दल देगा और भी जरूरत पड़ेगा तो हम तमाम विधायकगण और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पूरे बिहार के जितनी भी गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उपलब्ध कराएंगे, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी तरीका हो उसको कैसे बिहार लाया जाए वह सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय जनता दल तब तक आंदोलन करता रहेगा जब तक हमारे बिहारी मजदूरों को सकुशल बिहार में नहीं लाया जाए। इसके लिए हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए आज हम लोग एक सांकेतिक अनशन के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारे बिहारी मजदूरों को सकुशल